हेलो एवरीवन, वी विल कंटिन्यू आवर स्टडी टुडे स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न हिस्ट्री एन बुक क्लास सिक्स व्हाट, वेयर हाउ एंड व्हेन. स्टूडेंट्स आज हम लोग एन बुक क्लास सिक्स से कहाँ क्या कैसे और कब ऐतिहासिक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स आप वीडियो को स्किप ना करें पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं I will explain you both Hindi and English, okay. In history also we notice dates, years. देखिए इतिहास में आप ध्यान देते हैं date को साल को decades को century को शताब्दियों को आप ध्यान देते हैं ना For example, टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री बी आपको पता है टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री बी किसे कहेंगे यानी ईसा मसीह के जन्म के बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म के पहले और ए डी कहेंगे एनोडोमनी इन ईसा मसीह के जन्म के समय सेवन हंड्रेड एलेवन वाट डज बी सी एन एडी मीन हाउ इज इट कैलकुलेटेड दिस डेट्स और ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द एज्यूम डेट ऑफ बर्थ ऑफ देखिए ये जो डेट हम काउंट करते हैं ना ये ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो वॉज द फाउंडर ऑफ कृष्णटी कृष्णटी धर्म के संस्थापक थे कौन ईसा मसीह अब हम लोग आते हैं बी सी पर ठीक है

एग्जाम्पल के लिए 273 हंड्रेड अब मान लीजिए हम बोलते हैं दो सौ ठीक है इट मींस 273 हंड्रेड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था दो साल पहले बी सी स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन इरा भी हम कहते हैं बी सी इज ऑल्सो यूज इन इंस्टीट्यूट ऑफ सी हम सी के जगह बी सी का प्रयोग करते हैं बट सिंस क्रिश्चन इरा इज नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज आज बहुत देशों में क्रिश्चन एरा का प्रयोग किया था ऑफ द वर्ल्ड वी यूज बी सी ओके स्टूडेंट्स आप समझ गए हैं बी सी और बी सी क्या होता है ओके कम टू द ए डी सी ई ए डी स्टैंड्स फॉर टू लेटिन वर्ड्स एनो डोमिनी यानी ए डी को हम लोग बोलते हैं एनो डोमिनी दैट मीन्स इन दर ऑफ द लॉर्ड क्राइस्ट यानी जो साल ईसा मसीह का है उसे हम लोग एनोडामनी कहते हैं सी इज़ ऑल्सो यूज इन प्लेस सी का जो प्रयोग करते हैं वह हम लोग ए डी की जगह करते हैं इट स्टैंड्स फॉर कॉमन इरा इसको हम लोग कॉमन इरा भी कहते हैं ओके स्टूडेंट्स आप ये समझ गए ओके समाइम बी पी बिफोर प्रेजेंट इज़ ऑल्सो यूज टू डिनोट पास्ट इवेंट को बताने के लिए क्या आता है था? फॉर द कॉन्वीनियंस ऑफ द स्टडी हम अपने आराम के लिए वी एज टू थाउजेंड एब्लिक सी एज प्रजेंटे कहते हैं इन इंडियान टू यूज दिसम्स भारत में प्रयोग किया जाता है अबाउट टू हंड्रेड ईयर हम कहते हैं दो सौ साल पहले विद द इन्फ्लुंस ऑफ ब्रिटिशर जो प्रभाव था अंग्रेजों का ओके अर्यर वी कैल कैलकुलेटेड डेट्स अकॉर्डिंग टू विक्रम संबत लेकिन इससे पहले ईसा मसीह के जन्म के पहले हम जो कैलकुलेट करते थे डेट को वो विक्रम संबत के रूप में करते थे अब हम लोग जानेंगे वेयर डिड पीपुल लिव लोग कहाँ रहते थे ऑन द बेसिस ऑफ एनाइसिस ऑफ द जोग्राफिकल फ्रेमवर्क ऑफ आवर सब कॉन्टिनेंट अगर हम जोग्राफिकल फ्रेमवर्क को देखें अपने सब कॉन्टिनेंट में वी कैन फाइंड वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड हम समझ सकते हैं अर्ली पीपुल लिव्ड मेनली इन द फॉलोइंग प्लेसिस अर्ली पीपुल जो है कहाँ कहाँ रहते थे आपको जानकारी लेनी है स्टूडेंट्स कि पहले लोग कहाँ कहाँ रहते थे इतिहास क्या कहता है तो मैं बता दूँ आपको बैंक्स ऑफ नर्मदा द एरिया ट्रेसिस

फ्रूट्स एंड मैनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर फूड द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स स्कैटर्ड अराउंड द सराउंडिंग फॉरेस्ट एरिया बहुत um, बहुत ज़्यादा प्लांट था चारों तरफ प्लांट था फॉरेस्ट एरिया में वॉज अ वेरी वेल नॉन टू देम देसो हंड्रेड वह शिकार करते थे जानवरों का फॉर फूड एंड यूज देर स्किन फॉर मेकिंग क्लोथ्स और उसी के स्किन से यानी किसके स्किन से जानवर के जिसका शिकार करते हैं उसके स्किन को वह कपड़ा के रूप में प्रयोग करते थे ओके okay, स्टूडेंट्स आप ये जान गए कि अर्ली पीपुल कहाँ रहते थे तो मैंने बताया आपको बैंक्स ऑफ नर्मदा अब आगे बढ़ते हैं द एरिया एलोंग द सुलेमान एंड किरथर किरथार हिल्स अब हम लोग पढ़ेंगे एरिया जहाँ सुलेमान और करथर हिल्स था दिज एरिया आर लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट यह जो एरिया था नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में था दिज आर सम ऑफ द प्लेसिस वेयर पीपुल फर्स्ट स्टार्टेड ग्रुप ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक वीट एंड बार्ली सबसे पहले लोगों ने वीट और बार्ली कहाँ अब यह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ पर लोगों ने सबसे पहले फसल वीट और बार्ली की शुरुआत की और उसका साल क्या था अराउंड एट हंड्रेड गो ओके आप समझ गए ओके पीपुल ऑल्सो स्टार्टेड रेयरिंग एनिमल्स जैसे सीप गॉट एंड कैटल लोग मवेशी पालन भी करने लगे खास करके सीप का गॉट का और कैटल का ओके okay. आप कर्थर हिल्स को देख सकते स्टूडेंट्स पिक्चर में कम टू द नेक्स्ट टॉपिक द एरिया अलोंग द विंद एंड द गारो हिल्स और लोग कहाँ रहते थे दिज वेयर सम ऑफ द एरिया वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड इन एरिया पर एग्रीकल्चर का डेवलप हुआ द नॉर्थ ऑफ विंध्या वॉज द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट क्रॉन जो विंध्या जो प्लेस था विद माउंटेन हम कह सकते हैं वहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया द नॉर्थ ऑफ द विंध्या वॉज द प्लेस वेयर द राइस वॉज़ फर्स्ट क्रोन ओके okay. आप ये जान गए कि uh, हमने पढ़ा वेयर डिड पीपल लिव तो हमने पढ़ा बैंक्स ऑफ नर्मदा द एरिया अलोंग द सुलेमान एंड द किरथार हिल्स और हमने ये भी जानकारी ली द एरिया अलोंग द विद्याज एंड द गारो हिल्स ओके स्टूडेंट्स बैंक्स ऑफ द इंडस एंड द इट्स ट्रिब्यूटरीज अर्लीस्ट सिटीज फॉलराइज फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर चार हजार सात सौ साल पहले जो इंडस जिसे हम इंडस सभ्यता कहते हैं वहाँ पर भी लोग रहते थे वहाँ पर भी सभ्यता का विकास हुआ ओके फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट अब हम लोग पास्ट को कैसे है? आप आप इतिहास जब पढ़ते हैं तो अपने पास्ट की जानकारी अब कैसे लेते हैं ये आप बताएँ पहला रिमेंस ऑफ बिल्डिंग और मोनूमेंट्स हम बिल्डिंग्स से अपने पास्ट की जानकारी लेते हैं एनी स्ट्रक्चर बिल्डिंग और साइट दैट इज द हिस्टोरिकल आर्कोलॉजिकल आर्टिस्टिक इंटरेस्ट एंड इज नॉट लेस देन हंड्रेड ईयर्स ओल्ड एंड एंशियन मोनोमेंट इन इंडिया आज भी बहुत से मोनोमेंट भारत में है एक सौ साल से कम नहीं है मतलब बहुत समय से आज भी जीवित है इट मे अर्लियर बी ब्यूरेड अंडर द एज द केस ऑफ हड़प्पा एंड मोहन ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा और मोहन सभ्यता का जब विनाश हुआ तो ये दब गए यानी किसके नीचे ज़मीन के नीचे जब खुदाई हुआ तब हमें जानकारी हुआ इस सभ्यता के बारे में फॉर इट मे बी स्टिल स्टैंडिंग लाइक द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली आप मोनोमेंट देख सकते हैं लाल किला लाल किला तो आपने देखी होगी ओके okay. ताजमहल भी आपने देखा होगा आगरा ये मोनोमेंट्स हैं मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल्स फोर्ट्स पैलेसेस स्तूपा मोनेस्ट्रीज मोसोला अब इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लीजिएगा एक्सेट्रा दे प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन इससे क्या पता चलता है इससे पता चलता है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्टिटेक्चर्स लोग उस समय कला और आर्टिटेक्चर्स का कैसे प्रयोग करते थे सोशल इकोनॉमिक लाइफ लोगों का कैसा था पीपल ऑफ द टाइम्स वैन दे वे आर कंस्ट्रक्टेड आपको ये बतानी है अब यह प्रश्न उठ सकता है यहाँ पर कि आप बिल्डिंग और मोनूमेंट्स को देखकर आपको क्या जानकारी मिलती है पास्ट के बारे में तो वहाँ का सोशल लाइफ कैसा था लोग किस कला का प्रयोग करते थे आर्ट कैसा था ठीक है ना आप देख सकते हैं सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में ओके स्टूडेंट्स दूसरी जानकारी आप कैसे लेते हैं द स्टडी ऑफ कॉइंस इज नॉन न्यूमिस मैटिक्स अब इसके प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे न्यूमिस मैटिक्स जो होता है कॉइन टेलर्स ये हमें बताता है अबाउट किंग के बारे में यानी कॉइन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं न्यूमिस मैटिक्स कॉइन टेलस ये कॉइन हमें क्या बताता है राजा के बारे में द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर उसका साम्राज्य कहाँ तक फैला था डेट लैंग्वेजेस उसकी भाषाएं उसका समय दैट वर यूज ट्रेड आर्ट रिलीजन लिटरेरी स्किल ऑफ द पर्टिकुलर टाइम के बारे में ये बताता है ओके फॉर एग्जाम्पल द कॉइन ऑफ द समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त का कॉइन आप इतिहास की पुस्तकों में देखे होंगे शो ये दिखाता है ही वॉज एन एफिसेंट वीना प्लेयर वीना बजाते हुए दिखाया गया है किसको समुद्रगुप्त को जिसे हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं ओके okay. और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट जिससे आप जानकारी ले सकते हैं अपने इतिहास के बारे में तो वह है ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट एक्सप्लोर एंड अंड्रेंथ टूल्स वीपन पोर्ट्स पैंस ऑर्नामेंट्स बाय डिगिंग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ देखिये आर्कोलॉजिस्ट का काम क्या है पता लगाना एक्सप्लोर करना पृथ्वी के नीचे जितने भी टूल्स हैं बिपन्स हैं बर्तन हैं ऑर्नामेंट्स हैं ये सब का पता लगाना ये कैसे पता चलता है जमीन की खुदाई से दिस ऑब्जेक्ट में भी मेड ऑफ स्टोन या पत्थर के बने हुए हैं बॉन बैक्ड क्ले और मेटल यानी इसे सुखाया गया होगा धूप में मिट्टी के स्टोन या आप कह सकते हैं बोन यानी हड्डी के मेटल के आर्कोलॉजिस्ट आल्सो टुक लुक फॉर द बोन्स यह लुक फॉर है लुक फॉर मैंने सर्च तलाशना द बॉन्स ऑफ एनिमल्स फिश ऐसा माना जाता है कि यह बॉन्स किसका था एनिमल का फिश का बर्ड्स टू डिटरमाइंड द फूड ऑफ द अर्ली मैन और ये बताता है कि उस समय लोग किन किन पक्षियों का या मछलियों का या जानवरों का उपयोग करते थे द प्लान रिमेन्स सच एज सीड्स ऑफ ग्रेन वूड आर री एवेलेबल उस समय प्लांट खास करके बीज अनाज के बीज और लकड़ी यह बहुत कम अवेलेबल था अब तीसरा जो आता होता है मैनुस्क्रिप्ट, लिट्रे सोर्सेस है सेकेंडरी सोर्सेस कह सकते हैं आप जो हस्तलिपियाँ होती हैं द बुक्स दैट वेयर रिटर्न बाई हैंड मैनुस्क्रिप्ट किसे कहते हैं द बुक दैट वेयर रिटर्न बाई हैंड लॉन्ग एगो पहले हाथ से लिखा जाता था उसे हस्तलिपि कहते थे मैनुस्क्रिप्ट इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनू मीनिंग हैंड मेनू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट हैंड यूजली टू टाइप्स ऑफ मेटेरियल वे आर यूज वे यूज फॉर राइटिंग मैनोस्क्रिप्ट हम यहां पर मैनोस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं एक तो ताड़ का जो पत्ता होता था पाम लिफ वो एंड स्पेशली प्रिपेयर्ड बारेट्री जो छाल होते थे बार्क होते थे पेड़ के नॉन एज द्रीच दैट ग्रोज इन हिमालय इसे हम ब्रिज कहते थे जो हिमालय क्षेत्र में होता है इससे भी हमें पता चलता था वो जो मैनु मैनू मैन्यूस्क्रिप्ट जो आज बचे हुए हैं उससे हम जानकारी लेते हैं उस समय के इतिहास के बारे में दीज मैन्यूस्क्रिप्ट आर इन द फॉर्म ऑफ इपिक इसमें महाकाव्य लिखे जाते थे पॉइंस ऑफ प्लेज देवे रिटर्न इन संस्कृत प्राकृतिक प्रकृत लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपुल और तमिल इन भाषाओं में लिखे जाते थे इसके बाद हम लोग आएंगे इंस्क्रिप्शन पर देखिए इंस्क्रिप्शन यानी पत्थरों को काट के लिखा जाता था इससे भी पता चलता है उस समय के बारे में दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हैंड हार्ड सर्फेसेस ये जो लिखे जाते थे वह हार्ड सर्फेस पर लिखे जाते थे स्टोन पर मेटल पर पेपर पर एनी थिंग कैन बी इंस्क्राइब्ड सभी को इंस्क्राइब किया जाता था दे जनरली कॉन्वेट किंग्स ऑर्डर इसमें राजा के आदेश राजा के कार्यों को वर्णन किया जाता है आपको पता है ना कि अशोक ने अपने जितने भी इंस्क्रिप्शन है उसे खुदवाया था उसमें अपने कार्यों को बताया था ओके दे आर प्रीचिंग फॉर एग्जाम्पल इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक आ ही गया वो बात जो मैं बता रहा था आपको किंग ऑफ एंड कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज राजा इसमें अपने विजय को बताता था बैटल को कि कहाँ कहाँ वो जीता युद्ध ठीक है ऑन द अदर हैंड ऑर्डिनरी मैन डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ लोग रख नहीं पाते थे इन रिकॉर्ड को जैसे आज हम लोग रिकॉर्ड को रखते हैं देवर जनरली पुअर क्योंकि वह गरीब थे इलिट्रेट थे अनवेयर ऑफ देयर एडवांटेज वो नहीं जानते थे इसके क्या लाभ है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नॉन ईपिग्राफी कहते हैं हम लोग ठीक है यानी यहाँ से सॉरी <coughs> स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नॉन एज ईपीग्राफी हम ईपीग्राफी किसे कहते हैं डेसी परमेंट जो था इज प्रोसेस ऑफ रीडिंग इसे हम कहते हैं एक प्रक्रिया पढ़ने की अंडरस्टैंडिंग करने की स्क्रिप्ट को एंड यूज इन इंस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ साइन स्क्रिप्ट में क्या लिखा रहता था चिन्ह होता था लेटर का ओके okay. हम लोग पास्ट को जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे द पास्ट और मैनी द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल अलग अलग लोगों के अलग अलग पास्ट था फॉर एग्जाम्पल द लिप्स ऑफ किंग वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर राजा अलग था किससे किसानों से किसान का जीवन जो था बहुत हार्ड लिप्स था वेर एज किंग्स हैड लैविस्ट लाइफ लिप्स इसके बदले राजा जो था वो विलासिता जीवन जीता था किंग्स ऑफ एंड कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज राजा अपने जो भी जीतता था लड़ाई को उसका रिकॉर्ड रखता था क्या okay, आप समझ रहे हैं ना, दे गॉड देयर ऑर्डर्स वो ऑर्डर इंस्क्राइब करता था स्टोन पर मेडल पर वी नो मच अबाउट द किंग्स इन कॉन्ट्रास्ट ऑर्डिनरी पीपल लाइक फार्मर हंटर गैदरर हर्डर्स वे टू बिजी टू अर्न इन्हें बहुत मुश्किल होता था पैसे कमाने में देवर अनवेयर टू कीप रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड भी नहीं रख पाते थे ओके मोर मोर ओवर एज ट्रू इवेंट टूडे पीपल फॉलो फॉलोज डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स का लोग प्रयोग करते थे हमारे देश में स्टूडेंट जो हमने पढ़ा उसके कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इन बिंदुओं पर आप ध्यान दें सेवरल थिंग्स इससे हमारा फिर से रिपीट हो जाएगा जो हमने पढ़ी सेवरल थिंग्स दैट वी कैन फाइंड आउट अबाउट द पास्ट हमने बहुत कुछ जाना पास्ट के बारे में वाट पीपुल एट लोग क्या खाते थे द काइंड्स ऑफ क्लोथ कैसा कपड़ा पहनते थे कैसा घर में रहते थे वगैरह वगैरह ओके इट वॉज़ द सुलेमान एंड करथार हिज जो था आठ हजार साल पहले पीपल फर्स्ट बिगेन टू ग्रोइंग क्रॉप्स यहाँ सबसे पहले लोगों ने चावल और राइस की खेती की ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट एग्ज़ाम में सम ऑफ़ द अर्एस्ट सिटीज फ्लॉरिस्ड अबाउट फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड ईयर से चार हजार सात सौ साल पहले जो पहले शहर हैं वो कहाँ पर उनकी उत्पत्ति हुई बैंक्स ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिबरीज और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वहाँ पर ओके okay? अब तीन पॉइंट को जान गए चौथे जो बिंदु हैं तथ्य हैं उस पर ध्यान दीजिए प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट यूज इन इंस्क्रिप्शन कॉल्ड डेसी फर्मेंट जो प्रोसेस होता है पढ़ने का समझने का स्क्रिप्ट को उसे हम क्या कहते हैं डेसी फर्मेंट कहते हैं मगधा वॉज द लार्ज किंगडम सेटअप बाई इट्स पावरफुल रूलर्स इन एंशेंट टाइम मगध उस समय सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था ठीक है ओके पीपुल ट्रेवल थ्रू आउट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे द पीपल हु स्टडी रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन ब्रिक्स पेंटिंग स्कल्पचर्स आरकोल्ड आर्कोलॉजिस्ट जो लोग आर्कोलॉजिस्ट किसे कहते हैं जो इस्टोन का ब्रिक्स uh, का पेंटिंग का स्क्रपचर्स का अध्ययन करता हो ठीक है ओके हिस्टोरियंस और इस्कॉलर्स हुटडी द पास्ट हम बहुत से इतिहासकार हैं जो पास्ट का अध्ययन करते थे दे गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिस्टोरिकल सोर्सेस कहाँ से वो सोर्स को इकट्ठा करते थे तो मोनोमेंट से मैनुस्क्रिप्ट uh, से बिल्डिंग से यहाँ से वो लोग इकट्ठा करते थे और उसके बाद इतिहास को लिखते थे ओके ए प्लेस पर्सन और थिंग्स फ्रॉम विथ समथिंग ऑरिजिनेटेड इज कॉल्ड सोर्स सोर्स कहाँ से होता था एक स्थान या व्यक्ति या चीजें जहाँ से हम जहाँ से वो ऑरिजिनेट होता है मतलब प्लेस कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है एक पर्सन एक थिंग वो उसे हम क्या कहते हैं सोर्स ओके स्टूडेंट्स यू हैव कंप्लीटेड टुडे चैप्टर्स व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो